हेलो लर्नर्स, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स किस तरह से फाइंड करते हैं यूजिंग केसियो fx991ms बताने जा रही हूँ। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, d2y/dx² + 2dy/dx + y = 0। इक्वेशन को हमें सिंबॉलिकली लिखना होगा। इसके लिए हम d/dx को कैपिटल D से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ये d²y, ये 2dy और ये y रहेगा। इसमें सभी में y कॉमन लिया जा सकता है, इसलिए हम लिख सकते हैं d² + 2d + 1 × y = 0। अब इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखना है, जिसे हम यूजुअली AE से शो करते हैं। इसके लिए d की जगह पर m रखेंगे, y को 1 रखेंगे और राइट हैंड साइड अगर कोई क्वांटिटी हो तो उसे हम 0 कर देते हैं। यहाँ क्वेश्चन में ऑलरेडी 0 है, तो इक्वेशन हो जाएगी m² + 2m + 1 = 0। अब हम कैलकुलेटर को ऑन करेंगे, मोड को 3 times प्रेस करेंगे। यहाँ पर इक्वेशन मैट्रिक्स और वेक्टर लिखा हुआ है। इक्वेशन के लिए 1 प्रेस करेंगे। अब अननोन्स पूछ रहे हैं तो हमें इस एरो बटन को यूज़ करना है। हम डिग्री में जाएंगे और डिग्री में ये 2 degree की इक्वेशन है, इसलिए 2 प्रेस करेंगे। 2 degree की इक्वेशन ax² + bx + c टाइप की इक्वेशन होती है। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 है, इसलिए 1 और = प्रेस करेंगे। b के प्लेस पर 2 और = प्रेस करेंगे। c के प्लेस पर 1 प्रेस करेंगे और = प्रेस करेंगे। अब हमारे पास आंसर आ चुका है, x = -1। यहाँ पर x1 x2 लिखा हुआ नहीं आ रहा है। अगर दो अलग अलग रूट होते तो वहाँ पर x1 और x2 दो बार हमें मिलता, लेकिन यहाँ सिर्फ x लिखा हुआ आ रहा है और उसकी वैल्यू -1 है। इट मीन्स यहाँ रिपीटेड रूट है, x की दो वैल्यूज़ हैं जो कि -1 और -1 है। तो इसका मतलब है हमारी इक्वेशन चूँकि m में लिखी हुई है तो m की वैल्यूज़ रिपीटेड हैं और ये रिपीटेड रूट का केस होगा। अगर आप इसको फैक्टर फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो m+1 × m+1 लिख सकते हैं। तो इससे इस इक्वेशन के फैक्टर बन जाएंगे, देन आप रूट लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इजीली रूट्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंशियल इक्वेशन के ही कुछ और टाइप्स लेके आऊँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।